मथुरा से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन है। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। यहाँ की कुंज गलियों में भगवान कृष्ण ने तमाम लीलाएं की है। इसी वृंदावन के रमण रेती में राधा और कृष्ण का बाकी बिहारी मंदिर बना है। इस मंदिर की देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी मान्यता है। दूर दूर से भक्त यहाँ आकर बाकी बिहारी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। इस मंदिर से जुड़ी ऐसी तमाम रोचक बातें जिनके बारे में शायद आप ना जानते हो। तो फिर दोस्तों चलिए आज हम आपको बताते हैं बाके बिहारी मंदिर के बारे में। रंगी मोहन के रंग मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगे, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। ऐसी शांति लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली गई गली हरि गुण गाने लगे। मैं डूबे मनी मन के जोगन चली प्रीतम को मनाने लगे, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। ऐसी शांति लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली गई गली हरि गुण गाने लगे। मैं डूबे मनी मन के जोगन चली मीरा रानी दीवानी गाने लगी। ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन। जय बिहारी जी की। मेरा नाम हर्षवर्धन गोस्वामी है। मैं श्री ठाकुर जी बांके बिहारी जी का एक सेवक हूँ, यहाँ का पुजारी हूँ वृंदावन धाम से। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बांके बिहारी जी के इस मंदिर में हजारों की संख्या में जो है जन सैलाब भक्तों का उमड़ पड़ा है, तो क्या ऐसी दिनचर्या डेली आपको देखने को मिलती है? जी जी बिल्कुल, प्रतिदिन यहाँ पे लाखों करोड़ों के, हजारों में नहीं लाखों करोड़ों में लोग पब्लिक आती है यहाँ पे ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। देश विदेश से आती है ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि लोगों को यहाँ पे भक्ति और कुछ ऐसी प्रसन्नता प्राप्त होती है, ऐसी वाइब्रेशंस प्राप्त होती हैं जिससे कि लोगों का मन प्रफुल्लित हो जाता है। वैसे तो हम लोग देख रहे हैं कि मथुरा वृंदावन है, मंदिरों की ही नगरी है, राधा कृष्ण का यहाँ पे पूरा इतिहास रहा है, फिर भी इस मंदिर का क्या है, ऐसी क्या धारणाएं हैं इस मंदिर का? यहाँ पे 550 साल पहले स्वामी श्री हरदास जी हुआ करते थे, जिनको स्वप्न में श्री ठाकुर जी का एक बार स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने कहा कि मैं इस जगह पे जिसको आज हम निधवन कहते हैं वहाँ पे तुम्हें मिलूंगा, वहाँ से निकाल लेना मुझे, फिर मैं यहाँ पे ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं सभी भक्तों का कल्याण करूँगा। तो 500 साल पूर्व ठाकुर जी को जब स्वप्न आया ठाकुर जी का हरदास जी को, तो ठाकुर जी को निकाला गया जहाँ जो निधवन कहलाता है, ठाकुर जी का बगीचा भी है। उस निधवन से ठाकुर जी निकले, वहाँ 200 पूर्व वहाँ पे रहे, वहाँ पे हरदास जी ने सेवा की ठाकुर जी की, फिर उसके बाद 300-350 साल पहले यहाँ ठाकुर जी आए बिहारी जी मंदिर में और सबको कल्याण करे। स्वामी जी वृंदावन और मथुरा ने कृष्ण लीला भी देखी है जी, योग भी देखा है, तो यहाँ पे हर मंदिर में कोई ना कोई एक नई कहानी यहाँ से जुड़ी हुई है, क्या कहेंगे आप अपने शब्दों में वृंदावन मथुरा को कैसे समेटते हैं? सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा भागवत में भी इसका वर्णन है, वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। ये जो वृंदावन धाम है यहाँ पे जो भक्ति महारानी है स्वयं नृत्य करते हुए रहती हैं, भक्ति महारानी के साथ उनके जो दोनों पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, उनका भी यहाँ पे निवास है, निवास स्थान है, इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी गलियों में सब कोई राधे राधे कह के चलते हैं, अगर रिक्शे वाले भी चल रहे हैं वो कह रहे हैं राधे राधे। भक्ति सुतौतौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी, जब श्री ठाकुर जी की कथा चल रही थी जब भक्तों के सामने, तो भक्ति महारानी वहाँ पे प्रकट हो गई थी ठाकुर जी की कथा में, तब उनको वहाँ पे आशीर्वाद मिला था। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की जब कथा चल रही थी उस समय नारायण जी भी वहाँ पे प्रकट हुए, उन्होंने भक्ति महारानी को वहाँ पे आशीर्वाद दिया कि जहाँ जहाँ मेरी कथा होगी वहाँ वहाँ पे तुम हृदय में रहोगी, और ये तो स्वयं ठाकुर जी हैं यहाँ पे विराजमान करते हैं, जहाँ पे ठाकुर जी हैं वहाँ पे भक्ति महारानी रहेंगी। और यही एक कारण है कि आज की डेट में
समस्त भक्तगण बस बड़े बड़े शहरों से आते हैं, अलग अलग देशों से आते हैं, देश विदेश से आते हैं, कई करोड़ों लाखों लोग और यहाँ पे ठाकुर जी की सेवा करने के लिए आते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे चमत्कार भी मिल रहे हैं, उनको यहाँ पे कुछ आनंद भी मिल रहा है, जो उनके घर में कलेश हो रही है उससे भी उनको शांति प्राप्त हो रही है। सबसे पहले बड़ी बात यह है कि कृष्ण भगवान को कोई छलिया कहता है, कोई उन्हें माखन चोर कहता है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके नजर में क्या छवि है कृष्ण भगवान ठाकुर जी के? तो देखिए ठाकुर जी हमारे यहाँ पे ब्रज में लाला के रूप में माने जाते हैं, हमारे लिए ठाकुर जी लाला है, मेरे लिए मेरे बड़े भैया है, सबका अपना अपना रूप है। भागवत में भी कहते हैं और भगवान खुद कहते हैं कि जो भक्त अपने भगवान को मुझको जिस प्रकार से भी भजेगा मैं उसको उस प्रकार से प्राप्त होऊंगा। जैसे कि रावण को आप देखे होंगे शत्रु के रूप में उन्होंने ठाकुर जी को पाना चाहा, राम जी को, तो वो शत्रु के रूप में प्राप्त हुए। प्रहलाद जी ने अपने दाता के रूप में पाना चाहा तो प्रहलाद जी को अपने दाता के रूप में प्राप्त हुए, दाता बन के। और हम चाहते हैं कि ठाकुर जी अगर हमें भाई के रूप में प्राप्त हो तो भाई के रूप में प्राप्त होंगे। इसलिए आप देखेंगे कि वृंदावन में जब भी कोई भक्त आता है तो अपने साथ लड्डू गोपाल जरूर साथ में ले जाता है, क्योंकि वो उनमें कोई ना कोई रूप देखता है। परंतु हमारे ब्रजवासियों की एक यहाँ पे लीला है, मानते हैं कि ठाकुर जी हमारे लाला हैं, तो हमें हम सभी श्री ठाकुर जी को उस रूप में देखते हैं और बाकी बिहारी को भी उसी रूप में देखते हैं। गोस्वामी जी आखिरी सवाल है कि जब भी होली का नाम आता है तो सबसे पहले सबके स्मृति में मथुरा वृंदावन का ही होली सबसे पहले आते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि चूंकि अब दिवाली नजदीक में आ रही है तो आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि दिवाली मथुरा वासी कैसे मनाते हैं? देखिए दिवाली, पहले तो मैं आपको होली का वर्णन करना चाहूँगा कि पूरे संसार में विश्वविख्यात है हमारे यहाँ वृंदावन की होली, क्योंकि यहाँ कई दिनों पहले से ठाकुर जी की होली की तैयारी चलती है। यहाँ खूब रंग के साथ खेलते हैं, फूलों के साथ होली खेलते हैं, कई प्रकार की वस्तुओं के साथ होली खेली जाती है, इवन यहाँ पे लठमार होली भी खेली जाती है, भाभियाँ अपने देवरों को मारती हैं तो लठमार होली भी खेली जाती है। यहाँ पे कई प्रकार की होलियाँ मनाई जाती है जिसमें रंग बिरंगे आनंदित लिए जाते हैं, सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं होली को खेल के। और साथ ही साथ दिवाली के समय जब कार्तिक का मास आता है तो सभी ठाकुर जी के यहाँ पे मंदिर में आके पहले दीपक प्रज्वलित करते हैं ताकि ठाकुर जी की जो भी ठाकुर जी के सामने अपनी इच्छाओं को प्रकट करें वो उनकी पूर्ण हो सके। तो यहाँ पे सर्वप्रथम जब भी कार्तिक मास प्रारंभ होता है सभी भक्तगण यहाँ बांके बिहारी मंदिर में आते हैं और आके सबसे पहले दीपक जलाते हैं। सबसे पहली मान्यता तो ये है कि भाई दीपक जलाएं, उनकी इच्छाएं पूर्ण हो, और इसके साथ साथ उनके घर पे कैसे सुख और शांति बनी रहे उसके लिए भी ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर कई भक्तगण आते हैं दिवाली को मनाने के लिए। देखिए दिवालियाँ केवल पटाखों से नहीं मनती है, दिवाली अपने घर में जो प्रकाश फैलती है, प्रकाश इन दी सेंस कोई दीपक जलाना नहीं, कोई रोशनी जलाना नहीं, अपना मन प्रसन्न करना, अपने जो अंतरात्मा है उसको शुद्ध करने से ही एक दीपावली अच्छी मनती है। उसके कारणवश यहाँ वृंदावन धाम में आते हैं। जैसा कि अभी आपसे मेरी चर्चा हो रही थी कि एक फ़ोन को चार्ज करने के लिए चार्जर की ज़रूरत होती है, वैसे मंदिर एक ऐसी जगह होती है जो कि एक व्यक्ति की बॉडी को चार्ज कर सकता है, एक मेडिटेशन का एरिया भी होता है, एक बॉडी को शुद्ध करने की जगह भी होती है, एक आत्मा को भी अंतरात्मा को भी शुद्ध करने की जगह एक मंदिर ही होता है। इसी कारणवश बांके बिहारी में तो इतने चमत्कार होते रहते हैं कि अब मैं सुनाते सुनाते थक जाऊंगा, आप सुनते सुनते थक जाएंगे और उन्हीं चमत्कार जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं। एक बहुत प्रमुख चमत्कार है, हमारे गोस्वामी गणों ने एक रात को ठाकुर जी को भोग लगाना भूल गया थे। सभी गोस्वामीगण जितने जन सेवा कर रहे थे रात को हमारे लाला को भोग लगाना भूल गए, तो ठाकुर जी को कहते हैं हमारे जो पूर्वज थे बड़े बूढ़े, कहते हैं कि कभी भूखा रात को नहीं सुलाना चाहिए। तो हमारे गोस्वामीगण क्या करते थे, माखन रख देते थे, लड्डू रख देते थे, पान का बीरा रख देते थे, उस रात को वो लोग भूल गए। तो होता क्या है, उस रात को बहुत जब रात्रि हो जाती है तो एक मिठाई की दुकान खुली हुई थी, ठाकुर जी वहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि मेरे को थोड़ा प्रसाद कुछ खाने को दे दो, प्रसाद वसाद हो पवा दो हमें, जो भी भोग मिल जाए। परंतु उस समय हुआ क्या कि उस व्यक्ति ने कह दिया हमें कुछ धन दो। अब ठाकुर जी को तो ये मालूम था नहीं कि भाई धन क्या होता है इस समय, उन्होंने कहा देखिए भैया हमारे पास धन तो नहीं है
पर ये कड़े पड़े हुए हैं, ये कड़े आप रख लीजिए, इसके बदले मुझे कुछ दे दीजिए, इसका कुछ जो भी दाम आपको मिल जाए आप ले लीजिएगा। और अपने सोने के कंगनों को रख के उस दुकानदार के पास उन्होंने वहाँ से लड्डू खाए। अब भाई सुबह हुई, जैसे ही गोस्वामीगढ़ आए, श्रृंगार करने की बारी आई तो खोजा जा रहा है कि कड़े कहाँ गए, देखा तो कड़े नहीं दिखे। अब सब जगह कड़े खोजे जा रहे हैं, भाई सोने के कड़े कहाँ हैं, सोने के कड़े कहाँ हैं। और सब लोग पूरे वृंदावन में हल्ला मचा दिए। जब उस दुकानदार के पास वो बात पहुँची तो वो दुकानदार स्वयं वो कड़े लेके आता है और कहता है, देखिए प्रभु, रात को ऐसे ऐसे कोई बात हुई थी, 3-4 वर्ष का बालक था, वो हमारे पास आए, कड़े दे के गया है और इसके बदले लड्डू लेके गया है। तो गोस्वामियों ने कहा, अरे ये तो ठाकुर जी थे स्वयं। उसने जब रूप बताया कि ऐसे सांवला लड़का आया था, बड़ा ही सुंदर था, उसको देख के मन मोह गया, तो बड़े ही अचंभित हुए दुकानदार ने भी कह दिया कि भाई हाँ, ठाकुर जी हमारे दुकान पे स्वयं आए हैं। और वो इतना अचंभित हुआ और प्रसन्न हुआ उसके दुकान में, उसके बाद कभी भी धन संपत्ति की कोई भी कमी नहीं हुई। पहला चमत्कार तो ये है, और दूसरा चमत्कार हम अपने उसका बताते हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि आजकल के लोग कहते हैं कि भाई बिना एक्सपीरियंस से कुछ नहीं बताना चाहिए, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। जब ठाकुर जी की हम सेवा करने जाते हैं और मालिश करते हैं, ठाकुर जी की सेवा इत्र से होती है, मालिश ऑयल से नहीं की जाती है, तो इत्र से जब कर रहे थे तो उनका जो स्किन है ठाकुर जी का, वो हमारी चमड़ी की तरह था। उसको तो खैर चमड़ी नहीं कहेंगे, परंतु उनके देह को छूने के बाद जो हम मेरे को फील हुआ, मैं वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ऐसा हुआ था। मतलब हमारा भी हाथ पैर कुछ उतना कोमल नहीं होगा जितना कोमल उनके हाथ पैर हैं। मेरा फर्स्ट टाइम था जनेऊ होने के बाद मैंने ठाकुर जी की इत्र से मालिश की, बड़ा ही सौभाग्य था कि मेरे को ऐसा चमत्कार देखने को मिला। गोपी गीत में भी गोपियों ने कहा है कि उनके स्तनों से भी ज़्यादा जो उनके हाथ हैं ठाकुर जी के, वो कोमल है। तो ये एक्सपीरियंस मैं अपना आपको बता रहा हूँ कि उनके जो चमड़ी थी, जो उनका हाथ पैर था, उसको छूने के बाद मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। और हमें कहा जाता है कि जब भी हम इत्र से मालिश करें, उसके सामने उनको मालिश करने से पहले अपनी अंगूठियाँ, अपने हाथ के कड़े सब उतार के ही मालिश करें, ताकि ठाकुर जी को थोड़ी सी भी चोट ना लगे। ये मेरा एक छोटा सा चमत्कार खुद अपने आँखों से देखा हुआ है। अरे चलते चलते अगर एक शब्दों में पूरा वर्णन किया जाए मथुरा वृंदावन का, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपसे कहूँगा कि मथुरा वृंदावन एक ऐसी जगह है जिसकी व्याख्या कोई कर नहीं सकता है, परंतु मैं ये कहना चाहूँगा, वृंदावन में ही सब कुछ है और वृंदावन ही सब कुछ है। जय बिहार जी की। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई।